हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बट उसमें से एक पार्ट है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल डीसी बैटरी, यहाँ पे देख लो, डीसी बैटरी के हेल्प से मैं ये करके दिखा रहा हूँ। सो यू कैन सी मैंने कनेक्शन लगा दिया एंड मैं जो कनेक्शन है वो कंप्लीटली ब्रेड बोर्ड पे करने जा रहा हूँ। Yes, see. दिख रहा है लाइट? ठीक है, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ये कॉयल और इस कॉयल के बीच कोई लिंक नहीं है, बट जैसे मैं इसको सामने लेके जा रहा हूं इट ग्लोज। ओके, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सो कैसे करना है मैं यहां पे दिखाता हूं। सो दिस इज वेरी सिंपल। ये एक कॉयल है अराउंड 40-50 टर्न्स दे सकता हूँ और यहाँ पे एलईडी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। एंड नाउ यू सी यहाँ पे सिमिलर एक कॉइल बनाना है। अब इसका जो तीन पार्ट निकलेगा, ठीक है, थ्री लेग्स, यहाँ पे मैंने क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया। ठीक है, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर से जो बेस है, बेस में से मैंने क्या किया, एक रेजिस्टर यूज करके एक कॉयल का जो पार्ट है उस पे लगा दिया। ठीक है, मिडल वाला पोर्शन पे कॉयल का ये दोनों पार्ट को मैंने एक पार्ट पे, ये जो साइड है कलेक्टर वाला साइड, इस पे लगा दिया और एमिटर सब वाला साइड पे नेगेटिव मैंने बैटरी का नेगेटिव साइड मैंने कनेक्ट किया और पॉजिटिव साइड जो है वे और एक कॉयल का लास्ट साइड में मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, सो इससे क्या होता है, ये एक कंप्लीट सर्किट बनता है और थोड़ा गर्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही तुम इस कॉयल को लेके जाओगे इसके सामने, इट विल ग्लो। ठीक है, दिख रहा है? सो दिस इज वेरी सिंपल फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, द मेन थिंग इज दैट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एमिट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इस कॉयल के थ्रू लिंक्ड हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम लोग को पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक्ड हो रहा है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है हम लोग को। सो दिस इज वेरी सिंपल फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, थैंक यू।